भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, पर तो ये बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने इसमें मन के ऊपर चर्चा करी। आपने पॉइंट रेज करे हैं दो। एक पॉइंट क्या है? सम्मान लेने की इच्छा। सम्मान लेने की इच्छा। देखिए, आज उदाहरण देते हैं, एक बैंक के अंदर अकाउंटेंट है, उसके पास उस दिन करोड़ों रुपया लोग जमा करवाते हैं, अरब लाख आके, कोई लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे करके ट्रेडर्स आते हैं और जमा कराते हैं, और उसके बाद शाम को 10 करोड़ रुपया होता है उसके गले में। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं रईस व्यक्ति हूं इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए। नहीं, वो जानता है मेरा है ही, मैं तो एक सिंपल वर्कर हूं, अकाउंटेंट हूं, अकाउंट कैशियर हूं, जो कि शाम को कैश गिनेगा और बैंक के लॉकर में जमा कर देगा, जिसका है उनके पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमें यह मानना पड़ेगा कि आप सम्मान किस चीज के लिए चाह रहे हैं, कौन सी चीज के लिए सम्मान चाह रहे हैं। जो भी गुण की जिसकी आप बात कर रहे हो, तो भगवान से आपने गुण लिए हुए हैं, आप सिर्फ उसके एक ट्रस्टी हैं। आपको उन गुणों को, जो भी आपको गुण मिले हैं, वो आपको भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। भगवान गीता में साफ कहते हैं कि हमारे जितने भी गुण हैं वो उनके द्वारा दिए गए हैं। जो भी वस्तुएं हैं दुनिया के अंदर, वो सारी उनकी हैं, सब कुछ उनका है। तो हमें किस चीज का घमंड करना चाहिए कि ये मेरा है? जब हमें घमंड होता है ना कि ये मेरा है, तभी हम सम्मान चाहते हैं, है ना जी। तो इसीलिए ये इच्छा हटाइए और ये इस प्रिंसिपल पे आइए। ये सिर्फ जब आप आध्यात्मिक जीवन चला पालन करेंगे तभी आपके अंदर ये भावना उठेगी, नहीं तो ये भावना नहीं उठ सकती कि मैं तो सब दासों का दास हूं, मैं तो भगवान का सेवकों का सेवक हूं। मैं तो भगवान का सेवक भी नहीं हूं, परंतु उनके सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक हूं। जब ये भावना आएगी तब आप देखेंगे, परंतु ये आएगी कैसे, इसमें आप अपने आप को समझेंगे कि जो भी कुछ मेरे पास है, चाहे वो गुण के रूप में हो चाहे वस्तु के रूप में हो, वो मेरा नहीं है, वो भगवान द्वारा दिया गया है, इसलिए उनकी सेवा में रखना चाहिए। ईर्ष्या भी इसीलिए होती है, भाई ईर्ष्या क्यों कर रहे हो दूसरों से? नहीं ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि जहां भी जिस, क्योंकि आप ईर्ष्या किससे करते हैं, जो आपसे नीचे है या ऊपर है? जो ऊपर है आपसे, बेटर है भाई, वो बेटर है, उससे सीख, इंस्टेड ऑफ उससे ईर्ष्या करो। तो इससे इस तरीके से क्या होगा, ईर्ष्या खत्म हुई, उसने ऐसे कर्म किए जिसके कारण कि उसको फल प्राप्त हुआ है, तो आप भी कर्म किए जिसके कारण आपको भी ऐसा फल प्राप्त हो। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए दूसरे के सक्सेस पे यदि आप खुश होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे की सफलता पे आप खुश होते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी खुशी अपने लिए तो है ही, अब दूसरे 10 लोग सक्सेसफुल हो गए, आपने 10 लोगों की खुशी, आप खुशी की आपके पास आ गई, उसका मतलब आप उन लोगों को जिनको इंडिविजुअली खुशी मिल रही है उस पोजीशन के कारण, आप 10 लोगों की प्रमोशन से आपको खुशी मिल गई। ओहो, परंतु ये भाव किसका हो सकता है? जब तक आप कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे ये भाव नहीं आएगा। ये भाव आएगा भी ना, बताऊं कैसा होगा, मेकअप वाला, मेकअप लगा दिया, एक बारिश पड़ी मेकअप चली गई, या धूप से निकल गए, बहुत तेज धूप है, पसीना आया, मेकअप निकल गया। तो कॉस्मेटिक कार्य मत करिएगा। भौतिक जगत में जितने लोग मोटिवेशन स्पीकर है सब, ये कॉस्मेटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं, कॉस्मेटिक नहीं चाहिए, अंदर से चाहिए रियल, कि अंदर एक बार बैठ गई है इसके बाद निकलती नहीं साहब, तो ये रंग पड़ गया भाई अब तो तेरे कपड़े पे, ये रंग निकलने वाला नहीं है क्योंकि ये ताने बाने में घुस गया है, परंतु जो ऊपर से है तो ये समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आपको सम्मान की इच्छा खत्म करेंगे तो आस्ते आस्ते ईर्ष्या की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या की ईर्ष्या खत्म होगी तो सम्मान लेने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। परंतु यदि आप कृष्ण भक्ति करेंगे, जब आप भगवदगीता समझेंगे, तब ये अवगुण जो है ये खत्म होंगे। तो इसके लिए जब आप चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग बढ़ाइए और सीरियसली करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्राई करिए ना, ट्राई करेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे, ट्राई करिए, जीवन में लगाइए।